नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर के गोली के मंदिर थाना क्षेत्र के जरूरा निवासी चंदन सोनी सराफा व्यापारी है। आरोपी युवक कुछ समय पहले उनके यहाँ आभूषण गिरवी रखने आया था और बाद में पैसे वापस कर आभूषण ले गया। आरोपी युवक के पास व्यापारी का मोबाइल नंबर था। आरोपी युवक ने 4 फरवरी को व्यापारी को फोन पर धमकी दी कि वह उसे 20 लाख रुपए दे, नहीं तो वह उसके दोनों बच्चों को अगवा कर लेगा। आरोपी युवक ने सोशल मीडिया के माध्यम से उसके घर और बच्चों का फोटो भी निकाल लिया। लगातार आरोपी व्यापारी को फोन पर धमकी देने लगा। फिर आरोपी युवक ने व्यापारी चंदन को दहशत में लाने के लिए एक घर के अंदर कमरे में अपने दो परिचित बच्चों को बंधक बनाकर और खुद के मुंह पर कपड़ा बांधकर पिस्टल दिखाते का एक वीडियो बनाकर व्यापारी को भेजा, जिससे वह दहशत में आ गया। व्यापारी चंदन ने धरना की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित सांगी से की। व्यापारी की शिकायत पर मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। मामले की जांच पड़ताल में 13 टैक्स मांगने वाले युवक को पुलिस ने साइबर की मदद से रूप सिंह स्टेडियम के पास से पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी युवक से पूछताछ की गई तो आरोपी युवक ने अपना नाम सत्यवान सिंह निवासी मुरैना जिले के बामौर बताया। साथ ही आरोपी युवक ने बताया कि वह फर्स्ट ईयर का छात्र है, उसे पैसे की जरूरत थी इसलिए उसने यह षड्यंत्र रचा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। जड़ेरुआ निवासी फरियादी है, तो उसके द्वारा ये शिकायत की गई थी कि उसको एक व्यक्ति लगातार फोन करके 4 तारीख से और उससे रैंसम की मांग कर रहा है और 20 लाख रुपए का उसने बोला है। बार बार फोन कर रहा है, एक दिन में कम से कम 10 से 15 फोन आ रहे हैं उसके। फिर उसके बाद उसने वीडियो भेजे हैं जिसमें उसके बच्चे, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके फोटो हैं और उसके अलावा मकान का फोटो भी उसने भेजा और बताया कि तुम्हारे दोनों बच्चों को मैं ख़त्म कर दूंगा। और उसके बाद फिर लगातार वो पैसे मांगता रहा, तो ये जब शिकायत आई तो उसको गंभीरता से पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री अमित सांगी सर के द्वारा इसमें क्राइम ब्रांच को लगाया गया और इसमें क्राइम ब्रांच और ने थाना गोले मंदिर साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसमें अभी जो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम के पास से उस आरोपी को पकड़ा है। आरोपी मूलतः भामौर का रहने वाला है और अभी फर्स्ट ईयर का छात्र है और उसके द्वारा ये जो रैंसम मांगा गया है उसके आधार पर आईपीसी सेक्शन 507 और 386 के तहत केस रजिस्टर किए जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे और पूछताछ की जा रही है, इससे क्रिमिनल रिकॉर्ड का पता लगाया जा रहा है। इसका इंटेंशन क्या था, ये पैसा, ये प्लानिंग कैसे बनी, इन सारी चीज़ों का अभी इन्वेस्टिगेशन में पता लगाया जाए। ये एक बार शिकायतकर्ता, क्योंकि उसकी ज्वेलर्स की दुकान है उसकी, तो वह गिरवी एक बार चैन रखने गया था। हालांकि उस चैन को वापस बाद में 20,000 रुपये लेकर वो चैन को वापस भी ले गया था। तो एक दो बार उसने वहाँ पर उसकी दुकान पर गया है, तो निश्चित रूप से वहीं कहीं जब भी उसका प्लानिंग हो तो वो पहले से उसको आइडेंटिफिकेशन में था। उसने चूंकि उसको मकान का ही फोटो भेजा था कि तेरा मकान देख लिए है, बच्चों के फोटो भेजा, जब बाद में पता चला तो वो इंस्टाग्राम से बच्चों के फोटो निकाले उसने। तो अभी फिलहाल प्रारंभिक पूछताछ में ये बात तथ्य सामने आए हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और आए हुए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिस तरह का उसका पूरा ट्रेंड इस नगर में आया है नजरिए में, अभी तक लंबे वक्त से रेकी कर रहा था पूरी सारी चीजों की फैमिली। बेसिकली अगर आप समझें तो इसको 4 तारीख से कॉल आना शुरू है और आज 8 तारीख है, तो बहुत लंबी प्लानिंग मुझे लगता नहीं है कि बहुत लंबी प्लानिंग होगी, बट ये मान सकते हैं कि लगभग 1 महीना या 15 दिन से ये प्लानिंग कर रहा होगा। फिर उसके बाद 4 तारीख से उसने इम्प्लीमेंटेशन उसका शुरू किया और आज जब ट्रैप पुलिस ने जो बिछाया क्राइम ब्रांच और गोले के मंदिर की टीम ने, उसके जब वो पैसा लेने आ रहा था, रिकवरी जब उसको लेनी थी, जहाँ मीटिंग प्लेस का डिसाइड हुआ, फिर वहाँ पर पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया।